प्रोफेसर डॉक्टर वे गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से एक पेशेंट हैं जिनको टेम्प्रेरी पेसमेकर की ज़रूरत पड़ी और उसको हमने फिर अभी एंजियोग्राफी करी, तो उसमें एंजियोग्राफी में हमको दो जगह ब्लॉकेज निकला और अब हमने एक जगह एक जगह हमने अभी ऑलरेडी स्टेंट लगा दिया है राइट कोरोनरी आर्टरी में, और राइट कोरोनरी आर्टरी वॉज द कल्प्रिट वेसल, कल्प्रिट मतलब जिसकी वजह से दिक्कत आई, उसमें हमने स्टेंट लगा दिया। अब साथ साथ इनको डायबिटीज़ है तो इनको और जगह ब्लॉकेज भी हैं, तो लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी मेजर काम हो चुका है एंड वी आर गोइंग टू डू नाउ स्टेंट ऑफ द लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी। डिटेल आपको समझाऊंगा थोड़ा सा आगे, उधर आगे ठीक है। अभी हमने उधर उधर आइए उधर दिखाइए उधर आइए राइट वाली आर्टरी कर चुके हैं, राइट वाली आर्टरी के बारे में हम डिटेल बात करेंगे बाद में। ये देखिए ये कैथेटर इस तरह से वी हैव टू पोजिशन इट एंड वी हैव टू गो इनसाइड द लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, वहाँ पे हुक हो गया है ये जैसे लग रहा है, नहीं तो वी कैन सी द ब्लॉकेज, ये एक 90% ब्लॉक है। हाथ से दिखाई जरा, नहीं आगे पीछे पीछे पीछे, हाँ ये हाथ लगाए रहिए, हाथ लगाए रहिए, यहाँ पे 90% ब्लॉक है। अब इसके अंदर हम सर ये निकल रहा है मुझसे, वो भी खुला है, आ गया आ गया सर। ऑपरेशन का दिखाइए। तो ये जो अभी हमने किया है, ही इज अ यंग मैन 40, क्या एज है आपकी? 50 है, 50 ईयर ओल्ड डायबिटिक फॉर सो लॉन्ग, 18 इयर्स ओल्ड डायबिटीज, और इनको कल बैडमिंटन खेलते खेलते इनको छाती में दर्द हुआ और बेहोशी की हालत आ गई इनकी। अब ऐसी कंडीशन में जब ECG किया गया अपोलो में आए हॉस्पिटल में, उनके ECG में एक ब्लॉकेज निकला, जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक था ECG में, तो उसके लिए हमने इमरजेंसी में हम लोगों ने वो लगा दिया टेम्परेरी पेसमेकर। आप दिखाओ इसमें हाथ में दिखाओ प्रोग्राम, ये टेम्परेरी पेसमेकर जो लगा दिखाओ जरा, ये टेम्परेरी पेसमेकर हमने लगाया और उसके बाद दवाइयाँ दी गई और आज एंजियोग्राफी की जांच करी गई, तो एंजियोग्राफी की जांच में इनके ब्लॉकेज निकले जो कि राइट में 99% बंद था, जिसकी वजह से इनको वाया, अभी हम ये वायर डाल रहे हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में लेफ्ट की स्टेंट लगाने। तो हाँ देखिए ये वायर मैंने डाल दिया है, इसके अंदर ये जो काला काला वायर आ रहा है इज ऑलरेडी देयर इनसाइड द आर्टरी, जो कि हम बाहर से डाल रहे हैं हाथ से, दिस इज नोन एज कॉर्नरी वायर। दिखाओ यहाँ दिखाओ, ये मैंने यहाँ दिखा दी, ये वायर डाला है पतला सा जो अंदर गया है हार्ट के कॉर्नरी आर्टरी के अंदर। ये देखिए दिखा दो, हाँ ये जा रहा है ठीक है। अब इसमें हम जो ब्लॉकेज है उसको देखते हैं अच्छी तरीके से और उसमें हम बैलून करके खोल के फिर स्टेंट लगा देंगे। बैलून दे दो 1.5 का, ब्लॉकेज दिखाइए इनको फिर से हाथ में, ये ब्लॉकेज थोड़ा इसके पहले, हाँ ये ब्लॉकेज है पतला हो गया जहाँ पे वो ब्लॉकेज है, दिस इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और इसके अंदर हम एक छोटे से बैलून से अभी आपसे बात करेंगे। ये छोटे से बैलून है, दिखाओ बैलून, दिखाओ सिस्टर, दिखाना सिस्टर, ये देखिए ये पतला सा बैलून है ये, और ये बैलून अंदर जाता है हार्ट के और उसको नस को खोल देता है, फिर शक्ल दिखाइए। तो अब हम बैलून को अंदर डाल रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको, फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस में होता है सब कुछ, हम देख रहे हैं जैसे हम लोग वी आर नॉट डूइंग एन ओपन चेस्ट ओपन हार्ट, तो वी ऑलवेज सी थ्रू द फ्लोरोस्कोपिक मशीन, दिस इज बैलून विच विल गो, दिस इज हाउ द बैलून विल गो थ्रू द वायर, दिखाइए ऊपर दिखाइए। अब ये बैलून अभी आपको आते हुए दिखेगा, ये देखिए ये है, ये अभी आएगा बैलून, मिट्टी पर नहीं आपने
बलून, ये रखिए बलून आ गया, काला काला दिखाइए, हाथ से दिखाइए इनको, ये बलून है, डबल जूम कर लो जरा। और हम इसको पोजीशन करेंगे बलून को कि सही जगह पे है। हाँ ये देखिए, तो थोड़ा सा आगे करके बलून को जिस जगह मैं फुलाने जा रहा हूँ बलून को, दिखाइए ये दिखाइए हाथ, ये इससे जो है दिस इज गोइंग टू इन्फ्लेट। अब दिखाइए वहाँ पे, देखिए बैलून वहाँ फूल गया, पास दिखाइए, हाँ ये बैलून वहाँ फूल गया और जिसकी वजह से रास्ता बन जाएगा वो। और अब हम इसमें स्टेंट लगा देंगे आफ्टर गिविंग सम मेडिसिन, हाँ ठीक है फर्स्ट क्लास। तो अभी हमने चेक कर लिया इसको, अब निकुरान दे दीजिए जरा, देखिए निकाले, देखो इधर दिखाओ, वी आर रिमूविंग द बैलून, अच्छा आराम से कैमरा घुमाया करिए, वी आर रिमूविंग द बैलून, मेरे शक्ल दिखाइए। और ये बैलून निकालने के बाद इसी जगह पे हम जैसे हमने बैलून डाला है वैसे ही हम स्टैंड डाल देंगे इसमें, एंड शुद्ध हम इसको चेक कर लेते हैं फ्लोरोस्कोपी से कि बैलून से नस में जगह बन गई, वी हैव क्रिएटेड ए स्पेस फॉर पुटिंग द स्टैंड। सो दिस इज अ वेरी टेक्निकल, वेरी साइंटिफिक एंड इट रिक्वायर्स, मुझे शक्ल दिखाइए, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल बिकॉज इसमें वी कांट अफोर्ड टू हैव एनी प्रॉब्लम्स। अब दिखाइए फिर हाथ से दिखाइए, जहाँ पहले देखा था वहाँ पे अब जगह ज़्यादा बन गई है। और गिव मी स्टेंट, स्टेंट हम रख लेंगे, हाँ तेरा नहीं है, तेरा साइज की बात हम लोग कर रहे हैं, 2.5 डिब्बा दिखाओ स्टैंड का, इधर आइए स्टैंड का डिब्बा दिखाइए। ये मैडम शी इज कोमल एंड वेरी एफिशिएंट नर्सिंग स्टाफ, दिस इज अ स्टैंड द बॉक्स कंपनी ओर्सिरो एंड वी आर नाउ रिमूविंग द फ्रॉम द बॉक्स, विल टेक आउट द स्टैंड, स्टैंड इज अ वेरी स्पेशल मटेरियल एंड दिस इज द स्टैंड बॉक्स एंड नाउ वी आर रिमूविंग दिस स्टैंड फ्रॉम दिस पीस एंड दिस इज हाउ द स्टैंड लुक लाइक्स, दिस इज स्टैंड, स्टेंट इज ए स्टेनलेस स्टील और कोबाल्ट क्रोमियम एंड नाउ वी विल पुट दिस स्टेंट, विल पुट अगेन द सेम वे वी हैव डन द प्रोसीजर ऑफ बैलून, उसी तरह से हम स्टेंट को अंदर डालेंगे, श्री नर्स विल होल्ड द वायर एंड देन दिस स्टेंट विल बी गाइडेड टूवर्ड्स द हार्ट। दिखाओ ये दिस स्टेंट है, दिखाओ शो शो इट शो देयर नाउ, अब दिस स्टेंट विल बी गाइडेड towards the coronary artery and we'll place it right at the place of blockage, जहाँ ब्लॉकेज है वहीं पर हम इसको स्टेंट को लगा देंगे। ये देखिए स्टेंट आ गया, यस एंड अब इसको पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू पुट इट एग्जैक्टली जहाँ पे एग्जैक्टली वेयर देर इज स्टेनोसिस, वेर इज द ब्लॉकेज। तो आई हैव चेक्ड इट विद द हेल्प ऑफ दिस एंड थोड़ा सा पुल करें या ठीक है ओके, एक पीए के देख लो तो दिस इज हाउ वी आर चेकिंग इट, इट्स परफेक्ट प्लेसमेंट है एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेक इट अगेन इन अनदर व्यू, मशीन मूव करती है ये एंड विद द हेल्प ऑफ मशीन मूवमेंट वी विल चेक द पोजीशंस इन डिफरेंट लोकेशंस, आई थिंक इट्स परफेक्ट यार, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस गो बैक टू द सेम व्यू, so I have already inflated the stent and we will keep it for 30 seconds or 20 seconds, we keep watching the pressures, ये pressures देखते रहते हैं साथ साथ हम लोग के patient के heart के heart की pulse pressure, we have gone to 14 atmosphere, देखो we have gone to 14 atmospheres pressure and maybe 60 to deploy it well, और अभी 20 second हो गए, now give the Nicoran, I am removing this balloon now, the stent is in place. And we have already put the stent and the balloon is the carrier. Well, balloon is the carrier for the stent. I am removing this. And now the procedure is almost complete. We check the pressures.
and give me the Quran. I think we can take a shot, huh? So I want to explain to you further. We will show you some shots here. Take the shot to the ticket. And I will explain this patient again. A young man, 50 year old, diabetic, had a badminton player. और बैडमिंटन खेलते खेलते इनको छाती में दर्द हुआ, चक्कर आया, बेहोश होने लगे. अपोलो हॉस्पिटल आ गए, हमारे पास आए तो मैंने इनको देखा, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक था ईसीजी में. ईसीजी में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक को हमने टेम्परेरी पेसमेकर लगा दिया. पेशेंट इंप्रूव करने लगे, आज एंजियोग्राफी करी तो इनके तीनों आर्टरी में ब्लॉक है, लेकिन दो मेजर ब्लॉक हैं. और दो मेजर जो ब्लॉक हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक था जिसको मैंने अभी दिखाया नहीं है, ये दिखाऊंगा अभी आपको, जिसकी वजह से इनको हार्ट अटैक होते होते बचा. और अब हमने, लेकिन वो तो हमने इसके अंदर क्लॉट निकाला है, थ्रोम्बोसेक्शन इज ए वेरी स्पेशल प्रोसीजर. लेकिन अभी हम लेफ्ट वाली आर्टरी फिर से दिखाते हैं आपको, कितना बढ़िया हो गया, दिखाइए उधर दिखाओ, देखो कितना अच्छा बढ़िया व्यू आ गया है. यू कैन सी द ब्लॉकेज इज गॉन एंड आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोस्कोपिक गाइड. दिस इज परफेक्ट, परफेक्ट रिजल्ट. हाथ से दिखाओ, हाथ से दिखाओ, जहाँ ब्लॉक था ये, यहाँ स्टेंट लग गया, पहले कैसा था उसमें, पहले ऐसा था. हाँ ये दिखाओ, खांसी करिए जरा, खांसी करिए, निकाल ले रहा हूँ उसको, है एक शॉट और ले लूँ, एक शॉट और ले लूँ, एक ले लूँ, फटाफट निकाल लो, फिर दिखाइए एक लास्ट शॉट दे रहे हैं. यस आई एम रिमूविंग द वायर, विदाउट वायर एक ले लेते हैं, खांसी करते रहिए. गुड, सो वी हैव डन द प्रोसीजर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन दिस पेशेंट एंड इट्स सो क्विक. खांसी करिए, बैठने से विकास को ठीक है. तो अभी मैंने देखा कि प्रेशर तो कम हो रहा है ना बीच बीच में, ठीक है. नाउ परफेक्टली ऑल राइट, आई वॉन्ट टू समराइज दिस केस एंड इन्फॉर्म यू लिटिल मोर अबाउट दिस पेशेंट. ये इनका, ये देखा पहले, चलो थैंक यू. वो अभी दिखा दिया आपने कि इसके अंदर देयर इज एब्सोल्युटली नो ब्लॉकेज. नाउ जो ब्लॉकेज पहले था ये दिखाओ, ये इट हैज बीन कम्प्लीटली क्लियर एंड वी विल सी द लास्ट शॉट. ये देखिए, ये देखिए, देखो, यस, ये देखिए, ये बिल्कुल देर इज एब्सोल्युटली नो ब्लॉक जो यहां पे था. यहां आगे जाके हल्की फुल्की बातें हैं, लेकिन अभी अब मैं दिखाना चाहता हूँ राइट कॉर्नर आर्टरी जो हमने लाइव नहीं दिखाया था. सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि ये क्लॉट दिखाना है, वो एक गॉटिस देना जरा, गॉटिस ठीक लग रहा है आपको, एक और पीस देना जरा, ये देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव रिमूव्ड द क्लॉट फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी. इट्स ए रीजनेबली गुड साइज क्लॉट, इतना बड़ा ही क्लॉट बनता है जो कि जिंदगी और लाइफ, लाइफ एंड डेथ के बीच में आ जाता है. ये क्लॉट जो होता है, इसकी फोटो भी खींचेंगे, हाँ मैं दिखाता हूँ. ये क्लॉट जो होता है ये हार्ट की नस के अंदर बन जाता है और एंड दिस लीड्स टू ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी. अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, ये दिखाओ फिर से किस तरह से इस आर्टरी, मैं पूरा केस फिर से दिखाता हूँ. हाउ द दिस इज द एंजियोग्राफी, मैंने शुरुआत की तो एंजियोग्राफी में, इसमें जब एंजियोग्राफी करी तो पहले ब्लॉक हमने लेफ्ट का देखा, लेफ्ट में आर्टरी में 95% ब्लॉक है. यू कैन सी दिस, लेफ्ट आर्टरी में 95% ब्लॉक है और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, इसके अंदर माइनर ब्लॉकेजेस हैं 50%, 40%. फिर राइट वाली आर्टरी जैसी देखी, हम लोग का चेहरा एकदम सामने आया कि यहाँ पे क्लॉट है और इस क्लॉट के अंदर, इसकी वजह से ही इनको पेसमेकर की जरूरत पड़ी और हमने इनका
फिर डिसीजन लिया कि हम लोग इनका कैसे इलाज करेंगे। तो ये किडनी का आर्टरी, हमने इनका वायर डाला पहले, सबसे पहले वायर डाला, ये वायर चला गया, ये पेसमेकर पहले से लगा हुआ है, इसको हम निकाल देंगे बाद में, दिस इज टेम्परेरी पेसमेकर। वायर डालने के बाद हमने ये देखिए, ये पतला सा ट्यूब है ये कैथेटर, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर, इससे हमने 3 बार निकाल के बाहर खींचा, और जो निकलने के बाद थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर, थ्रोम्बस निकालने के बाद ये देखिए ये फ्लो बेटर हो गया, यहाँ पे ब्लॉकेज कम हो गया। दिस वॉज द सेम थ्रोम्बस विच वी हैव रिमूव, दिखाओ, यही थ्रोम्बस हमने राइट वाली आर्टरी से निकाला, दिस इज बीन रिमूव फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी, और उसके बाद हमने स्टेंट लगा दिया, दिस इज स्टेंट, और स्टेंट लगाने के बाद परफेक्टली नॉर्मल हो गया आर्टरी, एंड यू कैन सी द स्टेंट इज फ्लोइंग परफेक्टली ऑल राइट। और ये लास्ट शॉट ये देखिए, यू कैन सी दैट देर इज नो ब्लॉकेज, पहला ब्लॉकेज आपको देखा था कितना पतला था, मैं फिर से दिखाता हूँ पहला कैसे था, पहले ऐसे था ये, पहले ऐसा था, फिर से देखिए ये, दिस वॉज बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग द स्टेंट एवरीथिंग, ये ब्लॉकेज खत्म हो गया एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो स्टेनोसिस। उसके बाद हमने लेफ्ट की आर्टरी करी, हमने दिखाया लेफ्ट की आर्टरी, तो लाइव दिखाया था मैंने, लेफ्ट की आर्टरी में मैंने बलून फुलाया, वायर डाला, उसके बाद हमने ये स्टेंट ये लगा के स्टेंट लगा दिया, और स्टेंट लगाने के बाद राइट लेफ्ट वाली आर्टरी भी नॉर्मल आ गई। सो दिस इज अ पेशेंट वेयर यू हैव, ये देखिए ये आफ्टर है, ये बिफोर है, बिफोर एंड आफ्टर। सो व्हाट इज द केस, द केस इज लाइक दिस, दैट दिस पेशेंट हैज अ सीवियर डिजीज, एक आर्टरी में 100% ब्लॉक हुआ, 99% हुआ, उसमें क्लॉट निकाल दिया थ्रोम्बोसक्शन से, और दूसरी आर्टरी में रेगुलर स्टेंट लगा दिया। तो वी हैव ट्रीटेड बोथ द वेसल्स इन वन गो, आई हैव शोन यू फेसबुक लाइव, टू जस्ट क्विकली समराइज, यंग मैन 48 ईयर ओल्ड डायबिटिक, उसको छाती में दर्द होता है, बैडमिंटन खेलते खेलते ही ऑलमोस्ट फेंट्स, ही कम्स टू हॉस्पिटल, हमने देखा इसी चीज में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, हमने टेम्परेरी पेसमेकर लगा दिया, टेम्परेरी पेसमेकर लगाने के बाद हमने आज एंजियोग्राफी करी, कल लगाया था, एंजियोग्राफी में एक जगह क्लॉट के साथ ब्लॉकेज था राइट कोरोनरी आर्टरी में, उसका क्लॉट निकाला, बलून किया, स्टेंट लगाया, फिर लेफ्ट में एक और ब्लॉकेज था जो कि कॉज ऑफ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आगे अनजाना करता, बड़ी इंपॉर्टेंट नर्स है एलईडी, उसमें स्टेंट लगा दिया, पेशेंट इज ऑल राइट, वी विल स्टे इन हॉस्पिटल फॉर अनदर 2 डेज एंड देन वी विल डिस्चार्ज हिम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अ केस ऑफ एंजियोप्लास्टी डबल वेसल डिजीज, 2 स्टेंट्स विद थ्रोम्बोसेक्शन विद अदर मटेरियल्स एंड वेरी ट्रीटेड सक्सेसफुली। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 4th of September 2023। थैंक यू, एंड दिस इज आवर स्टाफ कोमल एंड मीनाक्षी, लक्ष्मी, लक्ष्मी एंड योर नेम रोहित। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।